हेलो गाइस, दिस साइड संविधान एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल अबाकस बाय आईआईटी। तो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वाले क्लास में हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो उस कंसेप्ट के यूज़ से हम उस टाइप के क्वेश्चन वेरी सिंपली टैकल कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ऐसे है कि अगर हमारे पास 67 ऐड होगा, तो 67 में हमें 1 ऐड करना होगा। तो सिंपली हम यूनिट डिजिट पे देखेंगे, यूनिट डिजिट पे बिट्स अवेलेबल है, 2 बिट्स अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट ऐड 1 कर सकते हैं। तो इस टाइम में हम 10th रॉड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट पे हमारे पास बिट्स अवेलेबल है। तो हम 10th रॉड पे क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट पे बिट्स अवेलेबल है। तो ऐड 1 कर देंगे, ऐड 2 भी करना होगा तो हम 2 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें ऐड 3 करना होगा तो हम 3 कैसे ऐड करेंगे, तो ये 3 ऐड करने के लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं अबाकस में, तो वो कंसेप्ट हम अभी देखेंगे। ठीक है, लेट्स से अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें 79 ऐड करने के लिए कहा है। तो 79 किसे ऐड करेंगे, 79 50 10 10 और ये 9, 5 प्लस 4 9, 79। तो 79 में हमें 1 ऐड करना होगा। तो 1 कैसे ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं मैंने, तो कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अबाकस में एक कंसेप्ट होता है कि ऐड द, ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं बिग बॉस, एंड ये जो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है इनको बोलते हैं फ्रेंड। तो ऐड 1 करने के लिए, ठीक है, ऐड 1 करने के लिए हमें ऐड द फ्रेंड, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9। ऐड 1 करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9। ऐड 2 करना होगा, तो ऐड 2 करने के लिए ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 8। ऐड 3 करना होगा, तो ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 7। अगर हमें ऐड 6 करना होगा तो ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 4। ये हमें याद होना चाहिए बस, ये ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9। ऐड 1 करने के लिए, ऐड 5 करने के लिए ऐड द बॉस 10 माइनस द फ्रेंड 5। ऐड 4 करने के लिए ऐड द बॉस 10 माइनस फ्रेंड 6। ऐड 9 करने के लिए ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 1। ऐड 7 करने के लिए ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 3। ये हमें याद होना चाहिए। तो ये याद होने के बाद हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, लाइक वेरी सिंपली। अभी 1 ऐड करना है, 1 कैसे, 1 का कंसेप्ट क्या था, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9। ठीक है, तो ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9, तो 10 ऐड करना है हमें। तो 10 कैसे ऐड करेंगे, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 9, तो 9 माइनस करेंगे यहाँ पे। 9 कैसे, 5 1 1 1 1 9 है, तो लेस द फ्रेंड 9। ठीक है, तो 1 ऐड हो गया। अभी 79 है, हमें 2 ऐड करना होगा। तो 2 कैसे ऐड करेंगे, 2 का कंसेप्ट क्या है, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 8। ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 8, 8 कैसे, 5 1 1 1 8 माइनस 8 करेंगे, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 8। अगर अभी हमारे 79 है, तो 79 में से हमें 6 ऐड करना होगा 79 में। तो 6 कैसे ऐड करेंगे, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 4। ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 4, ठीक है, 1 1 1 4 लेस द फ्रेंड 4 ऐसा होगा। ठीक है, 79 है, तो 79 में हमें 8 ऐड करना होगा। 8 कैसे ऐड करेंगे, 8 का कंसेप्ट क्या है हमें यहाँ पे, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 2। ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 2, ये 8 ऐड हो गया। बस इसी तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट होते हैं, हमें 9 ऐड करना होगा। तो 9 कैसे ऐड करेंगे, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 1। ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड 1, ये 9 हो गया। इसको बोलेंगे जो 10 है इनको बॉस बोलेंगे, और ये जो है ये फ्रेंड्स है। ठीक है, ऐड द बॉस 10 लेस द फ्रेंड, ये 1 2 3 जो भी है अप टू 9 ऐसा होगा, और इनकी जो वैल्यू होगी वो हम ऐड कर रहे होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी वो हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ये हमें याद करने पड़ते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, वेरी सिंपली याद हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में।